देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज सबसे पहले बात प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर की जा रही है, क्योंकि एक सप्ताह से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्करों का समर्थन देने के लिए रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और अनिल विज द्वारा हुड्डा की रथ यात्रा जेल तक जाने पर कहा कि मंत्रियों के कहने से कुछ भी नहीं होगा, कानून और संविधान अपना काम करेगा, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। तो वहीं कई मुद्दों पर दीपेंद्र यहां सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। आखिर क्या तैयारियां थी, जरा देख लेते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के सामने पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्करों को समर्थन देने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र ने कहा कि 5 मार्च से लोकसभा का सेशन शुरू हो रहा है और मैं उनके द्वारा की गई मांग सरकारी कर्मचारी बनाने और वेतनमान मिनिमम वेज करने की बात उठाऊंगा। सरकारी दर्जा देने की जो मांग है वो भी काफी हद तक जायज है, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए और मैं लोकसभा में, मैंने आश्वासन दिया इनकी मांगों को लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। 5 मार्च से जो है जो लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें इनकी मांगे लोकसभा में उठाएंगे। वही इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा हुड्डा की रथ यात्रा जेल तक जाने की बात पर ये कहा है कि मंत्रियों के कहने से कुछ नहीं होगा, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, देश में संविधान और कानून भी है, उसी के आधार पर कोई भी फैसला होगा। ये मंत्रियों कहने से कुछ नहीं होता, इस देश में मैं समझता हूँ न्यायपालिका और संविधान अभी भी देश में है, न्यायपालिका भी है संविधान भी है, और मैं समझता हूँ ये जो मानसिकता है इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि जो कार्रवाई हुई अभी तक जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो पूरी तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए शर्ट उतारकर सलमान खान से तुलना करने पर तंज कसते हुए कहा कि वो चाहे सलमान खान बने या शाहरुख खान, लेकिन पहले ये बताएं कि किसानों को फसलों के दाम कितने उन्होंने बढ़ा कर दिए, MSP लागू नहीं किया गया। जब गेहूं का भाव ही नहीं बढ़ा जो किसान को दिया जाएगा, MSP नहीं बढ़ा, तो फिर ये नए फॉर्मूले का क्या आप जो है कोई अपने को सलमान खान बताए या जो है शाहरुख खान बताए, उसका मायने नहीं है, गेहूं का भाव कितना बड़ा ये बताओ। इस मौके पर आए तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को समर्थन देने थे लेकिन जमकर सरकार पर भड़ास निकल गए। अब देखना ये है कि सत्ताधारी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। तो यहां सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है और नीति तैयार की गई है कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका आकलन जरा किया जाए, प्रदेश की जनता को जरा हाल बताया जा सके कि क्या असल मायने में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर किसानों के हित की बात है, आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से, दरअसल एक हफ्ता हो चुका है और आंगनवाड़ी वर्कर लगातार अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं सड़क पर उतरकर, लेकिन अभी तक उस पर कोई असर नहीं हुआ है। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि प्रदेश में जो किसानों को लेकर तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या उसको लेकर आप तस्वीरें समझ रहे हैं और सरकार वाकई में चुनाव से पहले और सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए थे, कितने वादे आपको लग रहा है पूरे हो पाए हैं? देखिए, वादों के नाम पर हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ ठगी हुई है और आज किसान कि जो दुर्दशा हुई है ना वो देखने लायक नहीं है। और जब भी देखिए आप कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं प्रदेश के अंदर घटी हैं, आरक्षण से लेकर चाहे वो राम रहीम का मुद्दा हो, चाहे कोई भी हो, सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है और जब अप्रिय घटना घट जाती है तो फायर ब्रिगेड का काम करती है, उसको दबाने के लिए जुट जाती है, बड़े बड़े आश्वासन जनता को देती है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकहित की नियत नहीं है करने की, और ये सिर्फ वादों की सरकार है और हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से असफल सरकार। लेकिन नरेश शर्मा जी, यहाँ एक बात और भी की जा रही है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो समर्थन दिया गया है, क्या इसको दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन माना जाए या फिर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से, पूरी पार्टी एक रूप में एक मत इसमें समर्थन करने के लिए तैयार है? मूल रूप से उनको रोजी रोटी दिखाई दे रही है, जो इतने कम भत्ते में उनका पेट गुजारा नहीं हो सकता, और समर्थन तो जब कोई सरकार शुद्ध नहीं लेगी, बातचीत का
रास्ता भी आज तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला है, तो क्यों नहीं वो प्रदेश के नागरिक ही नहीं है ना, हर हाल में उनको हम समर्थन देंगे और उनकी आवाज बनकर सरकार को कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने का काम जरूर करेंगे हम। लेकिन नरेश शर्मा जी, क्योंकि बार बार, क्योंकि आपके समय में भी ये सारी चीजें थी, आपने भी सभी चीजों को बहुत बारीकी से देखा है, सत्ता पर आप भी रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए आपने क्या कुछ किया? आप आकलन कर रहे हैं, आप मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं, आपने भी 10 साल जी, हमने बहुत कुछ किया। पहले तो सरकार के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे, दरवाजे सरकार के ही नहीं, पार्लियामेंट के ही नहीं, विधानसभा के नहीं। नहीं नरेश शर्मा जी, यदि आपने कुछ किया होता तो आज किसानों के हालात नहीं होते ना जिस स्थिति में आज किसान है। या तो ये है कि आपने जो कुछ किया उसका उतना ज्यादा असर किसानों के लिए नहीं हो पाया, क्योंकि 3 साल में पूरा असर है, लेकिन हालात बदलते बदलते रहते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो पुरानी सैलरी है आंगनबाड़ी वर्करों की उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा, उनकी आवश्यकता है। क्यों नहीं सरकार सुध लेती? सरकार खजाने भरने की योजनाओं पर तो ध्यान देती है, लेकिन लोग इसकी योजनाओं पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करे, उनके बच्चों का लालन पोषण, शिक्षा चले, उनका पेट गुजारा हो, इन बातों पर क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? क्यों सोती रहती है सरकार? नहीं, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कही गई है, इसको लेकर क्या कोई दबाव, क्योंकि आप एक तरीके से विपक्ष में हैं और आपकी तरफ से क्या इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे? सरकार तक ये बात आखिर कैसे पहुंचाई जाएगी किसानों को लेकर? माननीय साथी से मैं ये बताना चाहूंगा कि 42 पेज की मोटी किताब और 154 वादे किए थे, जिनको वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से मुकर चुकी है और नई नई योजनाएं और नई नई घोषणाएं करने पर आतुर है। और आज जनता का जो गुस्से का पैमाना है वो लाल रेड निशान से ऊपर गया है। आने वाले समय में इनको बताएगी, कल देख भी लिया होगा कि मंत्री बिद साहब को बोलने तक नहीं दिया, आज इनकी जो दुर्दशा, आज इनको घुसने का अवसर नहीं देंगे गांव के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। आज जनता इनकी भली भांति दोगला चरित्र और चेहरा और जनविरोधी जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की, इससे अवगत हो चुकी है प्रदेश की जनता। नहीं तो किसानों के लिए आपकी कोई नीति है? आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आपकी क्या नीति है? सत्य प्रिय ईमानदारी से हम आय से 1.5 गुना ज्यादा देंगे, और ये सिर्फ घोषणाएं कर रही है। इनका बजट आ चुका है, उसमें इनका भांडा फूट चुका है, कोई इन्होंने बजट के अंदर राहत देने का पूंजी का प्रावधान नहीं किया है, व्यवस्था नहीं की है इन्होंने। नहीं तो मौजूदा वक्त में तो सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आय दोगुनी कर देंगे किसानों की 2022 तक, तो ये लक्ष्य तो उन्होंने पहले ही निर्धारित कर रखा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था, ये तो प्रलोभन है, जनता के साथ फिर ठगी करना चाहते हैं, बेशकीमती वोट रूपी दौलत को ठगना चाहते हैं ये जनता की। ठीक है, आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को समर्थन दिया है, अब उनका समर्थन देने के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, अगला कदम जो भी हालात होंगे, या तो सरकार जाग जाएगी, नहीं तो फुटपाथ से लेकर पार्लियामेंट तक और फुटपाथ से लेकर विधानसभा तक उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे हम। एक भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी हर हाल में, चाहे वो कर्मचारी हो। नरेश शर्मा जी, कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है, कल दिल्ली कूच के लिए उससे पहले ही कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है, इस पर कुछ कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है और ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाने का और प्रजातंत्र का हनन करने का, कत्ल करने का काम कर रही है ये सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को साफ कर रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे किसानों की बात हो, उनका समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी सामने है। और जाहिर तौर पर, क्योंकि रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा आंगनवाड़ी वर्कर्स के समर्थन के लिए पहुंचे थे और वहां पर समर्थन देने के साथ साथ उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर बात की और कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, इससे पहले, क्योंकि सत्ता पर आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जाती थी और किसी भी रैली स्थल पर ये इस बात का जिक्र किया जाता था कि किसानों के हित की बात की जाएगी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो लगातार पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को रख रहे हैं, उनको समर्थन अब कांग्रेस पार्टी का मिल चुका है, क्या इस पर अब आपकी प्रतिक्रिया है? क्या अब आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को मानेंगे या उनकी बातों को सुनेंगे? देखिए, आपने मुझे बहुत लेट वक्त दिया, मैं चाहती थी मैं नरेश शर्मा जी की बात का जवाब दूं
और मुझे ताज्जुब है ये अचानक कहाँ से बिलों में से निकलकर जागृत हो जाते हैं ये लोग, जिनके पास 10 वर्ष थे तब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, और आज जब सरकार काम कर रही है तब ये कंपैरिजन और कामों की बात करते हैं। यदि ये मेरे सामने होते या आप फोनों पे इनको साथ में लेते तो मैं इनको बताती इस बात का जवाब कि 10 वर्षों तक आप सो रहे थे, आज जाग रहे हैं, आज आप हमारे 154 वादे गिन रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन चार्ट बनाए, किसी दिन डिबेट कीजिए इस पर और मुझे बुलाइए और इसको साथ में बुलाइए कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे 3 वर्षों के कार्यकाल का और इनके 10 वर्षों के कार्यकाल का कीजिए। ऐसा सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इन लोगों को तो अपने नेताओं को राजी करने में ही फुर्सत नहीं है, इन लोगों को आपसी भिड़ंत से ही फुर्सत नहीं है, ये कहां लोगों की बातें नहीं। लेकिन रेणु जी आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले कुछ लंबे समय से, और न सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम बात करें, प्रदेश में चाहे रोडवेज यूनियन हो, उनके कर्मचारी हो या दूसरे जितने विभाग हो, सड़कों पर उतरकर उनको प्रदर्शन करना पड़ता है, नारेबाजी करनी पड़ती है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? सरकार या तो पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेकर उनसे बातचीत कर ले, या फिर आप किसी तरीके से पहले से ही ऐसी परेशानी ना हो सके इसके लिए खासतौर पर ध्यान रखे, ताकि प्रदेश के अंदर जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो खराब ना हो सके कम से कम। देखिए, आप बहुत सुलझे हुए एंकर हैं और आप इस बात को समझते हैं कि ये जो समस्याएं आई हैं इनका बेस कहां से निकला, इनकी जड़ क्या है। लेकिन समाधान तो इस वक्त सरकार को करना होगा ना रेणु जी। आपने बात सुनी ना, कहीं पर कानूनी अड़चने, कहीं पर इनके जो भर्ती करने की प्रक्रिया में दाग, तो इन सब चीजों को सुलझाए बिना कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर इन वर्कर्स को नॉर्मल स्टेज पे लाया जाए? क्या हम दोबारा उनको इनकी तर्ज पर नकली जो काम इन्होंने किए हैं, क्या दोबारा हम इन लोगों को उसी तर्ज पर तंग करते रहे और परेशान करते रहे? ये जो आप परेशानी झेल रहे हैं ये वर्कर्स भी जानते हैं, हर महकमे के वर्कर्स जानते हैं कि ये जो बीज बोया हुआ है परेशानी का, ये कांग्रेस सरकार का बोया हुआ है, और बीजेपी अगर कर रही है तो जड़ से। चलिए, तो कितना वक्त और लगेगा बीजेपी को जी, कितना वक्त और लगेगा इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में काम कर रही है, कितना समय और लगेगा? देखिए, हम जो काम करना चाहते हैं इन वर्कर्स के साथ वो लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं। आज ये पीढ़ी है, इनकी रिटायरमेंट के बाद आपके जैसे नए युवा जो आएंगे सरकारों में, उनके लिए कोई अड़चने ना हो, उनके लिए कांटे ना बोए जाए, इसलिए ये समय जरूर लग रहा है, परंतु ये वन टाइम स्पेसिफिक समय है जो हमेशा के लिए इस तरह की परेशानियों को दूर करेगा। और आपसे, हमारे से, सब लोगों से हम आमंत्रण करते हैं इन बात का कि क्या ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या ऐसे उपाय होने चाहिए, क्या ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, चाहे वो सरकार में काम कर रही है, चाहे वो। ठीक है रेणु जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि किसान नेताओं को नजरबंद करने के लिए जो तैयारी की गई, और कुछ किसान नेताओं को तो नजरबंद भी कर दिया गया, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्या वाकई में किसानों की जो आवाज है आप उसको दबा सकेंगे क्या? देखिए, हम आवाज को आवाज की तरह सुनना चाहते हैं, हर कोई सुनना चाहेगा। आप भी मुझे डिबेट में बुलाएंगे तो डिबेट को डिबेट के तरीके से करना चाहेंगे, शोर शराबे मारपीट से नहीं करना चाहेंगे। इसी तरीके से सरकार चाहती है कि किसान जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आकर सुलझे हुए तरीके से रखे। और आप जानते हैं कि शरारती तत्व इन्हीं लोगों के, इन शरीफ लोगों के, ईमानदार लोगों के, भले भले किसानों के बीच में घुसकर अपना षड्यंत्र जो है उसको अंजाम देते हैं, जिसमें बेगुनाह और शरीफ लोग मारे जाते हैं। इसलिए सरकार दुरुस्त है, सरकार अलर्ट है। तो क्या ये भी माना जाए कि जो जिन किसान नेताओं को नजरबंद किया गया, हिरासत में लिया गया, क्या वो इस तरीके की तैयारी में थे? देखिए, तैयारी में नहीं होता, एक प्रिकॉशनरी एक्शन जो लिया जाना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे से ये दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह सिक्योरिटी इसीलिए की गई कि कहीं पर भी कोई शरारती तत्व इस तरह की बात को अंजाम ना दे। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, सबको हक है अपनी बात को, अपनी आवाज को उठाने का, परंतु कोई शरारती तत्व बीच में आके उस चीज को खराब करने की कोशिश करे या कोई किसी का भेजा हुआ व्यक्ति इस तरह से खराबी मचाए, वो सरकार नहीं चाहती। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये सारी स्थितियां हैं, सारी तस्वीरें हैं, और इनको स्पष्ट करने की कोशिश भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का किसी भी तरीके से उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी का यहाँ पर ये कहना है कि पुराने समय में जो अभी तक राज